हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मापन मूल्यांकन के बारे में। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, ये क्या होता है और इससे आपके सीटेट एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, तो आज हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मापन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मापन के बारे में बात करेंगे। तो मापन होता क्या है, आप मापन एक बहुत ही कॉमन टर्म है और इस शब्द को आप छोटी कक्षाओं से सुनते हुए चले आ रहे होंगे। तो मापन होता क्या है, जैसे आप किसी भी वस्तु को, तो जैसे मान लीजिए आप सब्जी लेने गए तो आप क्या करते हैं, सब्जी को तुलवाते हैं, तो दुकानदार सब्जी को तोलता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, आपने कहा कि मुझे फ़ीवर है तो डॉक्टर क्या करेगा, आपके फ़ीवर को मेजरमेंट करेगा, फ़ीवर को चेक करेगा कितना फ़ीवर है, तो वो भी क्या हुआ, मापन हुआ। आप दूध लेने जाते हैं तो दूध को नापते हैं तो वो भी क्या हुआ, एक मापन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से आप जब कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो शिक्षण का जो समय काल होता है वो भी क्या हुआ, मापन हुआ। तो इस तरीके से मापन क्या है, मापन एक तरीके से किसी भी वस्तु की विशेषता का अंकन करना, मतलब कोई भी वस्तु है वो आपके आपके लिए कितनी हेल्पफुल है या वो कितनी मात्रा में है, वो कितनी मात्रा में है उसका आप उसको आप अंक प्रदान कर देते हो तो वो मापन कहलाता है। जैसे कक्षा में अगर बच्चा बच्चा कुछ अधिगम करता है तो अधिगम को नापने के लिए आप क्या कर देते हो, उसको अंक प्रदान कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है, आपका मापन हो जाता है। तो मापन सिंपल सा क्या हुआ, यदि आप किसी भी वस्तु की विशेषताओं को अंक प्रदान कर रहे हो, किसी भी वस्तु की विशेषताओं को अंक प्रदान कर रहे हो तो वो आपका मापन कहलाता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा कुछ परिभाषाएं और भी हैं कि पूर्व निश्चित नियमों के आधार पर, पूर्व निश्चित नियमों के आधार पर किसी भी वस्तु की विशेषता को अंक प्रदान करना आपका मापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक कोई परीक्षा है वो 100 नंबर की है, तो 100 नंबर की परीक्षा में आपके कुछ नियम बना दिए जाते हैं कि भाई आपका जो है एक प्रश्न 1 नंबर का है, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1/4 अंक कटेगा। तो वहाँ पर होता क्या है, तो हमने कुछ पूर्व निश्चित नियम बना दिए, उन निश्चित नियमों के आधार पर हम किसी भी वस्तु का मापन कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। मतलब उस पूर्व निश्चित नियमों के आधार पर हम वस्तु को अंक प्रदान कर रहे हैं, उस चीज़ को अंक प्रदान कर रहे हैं, तो वही आपका मापन कहलाएगा। तो मापन सिंपल सा ये हुआ कि नहीं भी पूर्व निश्चित नियमों के आधार पर अंक प्रदान करना, उस वस्तु को उस विशेषता को अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। मापन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन में और मापन में क्या अंतर है। पहले मूल्यांकन की बात कर लेते हैं सिंपली। जैसे मूल्यांकन जो टर्म है ना, वो एक तरीके से व्यापक शब्द है। ठीक है, मूल्यांकन जो मापन जो होता है वो ब्रॉड होता है। मापन में क्या है, केवल हम मात्रा का मापन करते हैं, मात्रा का ही अंकन करते हैं, लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है। हम ये कह सकते हैं कि मापन जो है वो मूल्यांकन का एक अंग है, मतलब मूल्यांकन जो है आपका बड़ा होगा। ये है आपका मूल्यांकन है, ये आपका मूल्यांकन है मान लीजिए, तो यह आपका क्या होगा, मापन होगा अंदर वाला। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं मापन जो है मूल्यांकन का एक अंग है। तो अब यहां पर देखो मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी भी चीज का मापन किया, किसी भी चीज को माप लिया, अंक प्रदान कर लिया, अब आप मूल्यांकन में क्या देखोगे, क्या वो जो आपने मापन किया है क्या वो वांछनीय है, क्या उसके द्वारा उस जो आपने अंक प्रदान किए हैं क्या उसके द्वारा उस वस्तु के उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है। ठीक है, आपने जो भी मापन किया है वो आपके किस काम का है। ठीक है, वो आपका किस में होता है, मूल्यांकन में होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, एक बच्चे ने आप बच्चे ने जो है यहाँ पर क्या हुआ कि 100 में से किसी भी विषय में 80 अंक प्राप्त कर लिए। ठीक है, 80 अंक यहाँ पर प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब होगा क्या, कोई भी परीक्षा मान लो SSC की परीक्षा है, 100 में से 80 अंक उसने प्राप्त किए और कट ऑफ कितनी गई, कट ऑफ गई है 90, मान लो कट ऑफ कितनी गई है 90 गई है। तो अभी देखो हमने यहाँ पे 100 में से जो 80 अंक प्राप्त किए वो आपका मापन हो गया। अब देखो यहाँ पे मूल्यांकन हम क्या करेंगे, अब कट ऑफ 80 गई, कट ऑफ 90 गई है, अब मुझे बताओ कि मूल्यांकन की दृष्टि से क्या ये सही है, क्या ये वांछनीय है, नहीं वांछनीय है, क्योंकि हमारे यहाँ पे उद्देश्य की पूर्ति हो ही नहीं पाई। हमारी उद्देश्य की पूर्ति क्या थी,
नौकरी लेना। नौकरी जब कब लगेगी, जब आप 90 नंबर लेकर आओगे, ठीक है, 90 से ऊपर लेके आओगे, 90 लेके आओगे तभी आपकी नौकरी लगेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि भाई जो आप 80 नंबर लेके आए हो क्या वो वांछनीय है, क्या आपके शैक्षिक उद्देश्यों की उससे पूर्ति हो रही है, तो नहीं हो रही है, मतलब किसी भी उद्देश्य की आपकी पूर्ति हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो कहने का मतलब वो हमारा कहने का मतलब यह है कि वो मूल्यांकन तो होगा वहाँ पर लेकिन हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। तो हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया, हमने यहाँ पे ये चेक किया कि वहाँ पर हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो पाई या नहीं हो पाई, वांछनीय है या नहीं है, यही हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यांकन कहलाएगा। तो मतलब हमें क्या करना है, जो भी हमने मापा है अब उसको हमें चेक करना है कि वो हमारे मतलब हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य थे या जिस उद्देश्य से उसको मापा गया था या जिस उद्देश्य से उस चीज़ को बनाया गया था कि उस चीज़ की पूर्ति हो पाई या नहीं हो पाई, वो आपका मूल्यांकन में आता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने भी आपके मूल्यांकन की एक परिभाषा दी है। एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ये कहती है जो आपकी मूल्यांकन है वो एक सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है, सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। इसमें हम क्या चेक करते हैं, तीन चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे, मूल्यांकन में हम तीन चीज़ें चेक करते हैं कि आपके जो शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए थे क्या आपके उन शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, कक्षा में सिखाए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, कक्षा में सिखाए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, ठीक है। तीसरी क्या है, तीसरा यह है कि शिक्षा के उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। ये तीन चीज़ें किसने बताई हैं आपकी, ये तीन चीज़ें बताई हैं आपकी एनसीईआरटी ने, ठीक है। इसके अलावा सीबीएसई ने भी इसके लिए एक परिभाषा दी है। सीबीएसई ने इसमें चार चीज़ें बताई हैं, मतलब इसको जो है चार क्रम में बांटा है, चार पॉइंट इसके बताए हैं मूल्यांकन के। तो इसमें सबसे पहले उसने जो पॉइंट बताया है वो उसका जो पॉइंट है वो है साक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित करना, साक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित करना। मतलब सबसे पहले क्या होगा, जो भी साक्ष्य होंगे उन साक्ष्य को हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध रूप में उसको एकत्रित करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होती है, उनका अर्थ एवं व्याख्या करना। फिर क्या करेंगे, अब जो साक्ष्य जब क्रमबद्ध उसको लगा लिया जाएगा उसके बाद हम उसके अर्थ की व्याख्या करेंगे, कि अर्थ की व्याख्या मतलब उसके अर्थ की व्याख्या करते समय हमें ध्यान देना है कि क्योंकि अर्थ की व्याख्या करते समय बहुत से शिक्षक क्या होते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जैसे मान लो विद्यार्थी पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, आपको ये मूल्यांकन में मिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप इसकी व्याख्या किस तरीके से करोगे, बताओ इसकी व्याख्या आप किस तरीके से करोगे। इसकी व्याख्या एक तो ये होगा कि बच्चे पढ़ाई करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है। और एक व्याख्या ये भी हो सकती है, बच्चे पढ़ाई करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी घर की मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें कहीं और नौकरी करना होता है, आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। तो ये होता है व्याख्या करना, ठीक है। तीसरा देखो, मूल्यों के संबंध में निर्णय लेना। मूल्य के संबंध में निर्णय लेना मतलब जो भी बच्चे ने शैक्षिक प्रगति की है, ठीक है, जो भी बच्चा कर रहा है, व्याख्या के आधार पर जो भी चीज़ निकल के आई आप उसके संबंध में निर्णय लोगे कि या इस बच्चे ने सही किया है या गलत किया है या इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये हो गया आपके मूल्यों के संबंध में निर्णय, ये तीसरा पॉइंट हो गया सीबीएसई ने जो बताया है। चौथा पॉइंट यह है क्रियान्वयन की दृष्टि से। अब आप ये देखोगे कि आपने जो भी चीज़ की क्या आप उसको क्रियान्वयन की दृष्टि से ये सही है, आप उसको आगे लागू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ये चार पॉइंट हो गए सीबीएसई ने मूल्यांकन के बारे में बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब तीसरा जो पॉइंट आता है वो है आकलन, ठीक है। आकलन का मतलब क्या, मापन और मूल्यांकन में आप अंतर स्पष्ट तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि आकलन क्या होता है। आकलन को हम कहते हैं इंग्लिश में असेसमेंट, मापन को मेजरमेंट, मूल्यांकन को इवेल्युएशन और आकलन को कहते हैं असेसमेंट। अब देखो मूल्यांकन और असेसमेंट यानी आकलन में क्या अंतर है। देखो ये दोनों जो हैं एक ही होते हैं, मूल्यांकन और आकलन जो होते हैं वो एक ही होते हैं। देखो अंतर यहाँ पे क्या है, अंतर बस सिर्फ इतना है कि जो हमारे अमेरिका में जो यूज़ किया जाता है, अमेरिका में हम मूल्यांकन को यूज़ करते हैं, मूल्यांकन के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन में आपका आकलन का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। ये दोनों कंसेप्ट होते एक ही हैं। तो अगर आप ब्रिटेन में रह करके पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे आप असेसमेंट यूज़ करोगे, मतलब आकलन यूज़ करोगे। अगर आप अमेरिका में रह करके पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपका मूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन यूज़ किया जाएगा। ये दोनों का अर्थ जो होता है वो एक ही होता है, इतना आप समझ जाइए, ठीक है।
देखो अगला है प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के प्रश्न होते हैं आपके, मुक्त अंत वाले प्रश्न या मुक्त उत्तरीय प्रश्न, बंद अंत या सीमित उत्तरीय प्रश्न। इंग्लिश में इसको कहते हैं ओपन एंडेड, इसको कहते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है, अब यहां पर देखो कि आपके मुक्त अंत या मुक्त उत्तरीय प्रश्न कौन से होते हैं। मुक्त अंत या मुक्त उत्तरीय प्रश्न का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रश्न जो आपको सोचने पर मजबूर करें, सोचने पर मजबूर कर दें, जिनका कोई भी एक तरीके का आंसर नहीं होगा, ठीक है, जिसके कई सारे उत्तर हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं मुक्त अंत या मुक्त उत्तरीय प्रश्न, जिसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। या आप किन्हीं चार विद्यार्थियों की परीक्षा ले रहे हो तो आप वहां पर अगर उन विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्न दे रहे हो, मतलब कोई प्रश्न दे रहे हो और वो सभी विद्यार्थियों का आंसर अलग अलग है, तो अगला है बंद अंत या सीमित उत्तरीय प्रश्न। देखो बंद अंत या सीमित उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी प्रश्न का इसमें एक ही उत्तर होगा। जैसे आप अगर चार विद्यार्थी आपके सामने बैठे हैं और आप अगर उनको, अगर आप उनको कोई भी प्रश्न देते हैं तो चारों विद्यार्थियों का जो उत्तर होगा वो आपका एक ही उत्तर आएगा। जैसे आपने किसी विद्यार्थी को प्रश्न दिया कि भारत की राजधानी लिखिए, तो चार विद्यार्थी आपकी कक्षा में बैठे हैं तो उनका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, एक ही होगा कि नई दिल्ली। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रश्न कहलाते हैं वो आपके बंद अंत उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पर एक चीज अवधारणा और जुड़ी हुई है, यहाँ पर हम जो मुक्त अंत वाले जो प्रश्न जुड़े होते हैं वो अभिसारी चिंतन से जुड़े होते हैं, अभिसारी चिंतन से जुड़े होते हैं, सॉरी अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से जुड़े होते हैं और ये अभिसारी चिंतन से जुड़े होते हैं। अब देखो अपसारी या अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है। देखो जो अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि आप जो है ब्रॉड माइंड में सोचोगे, ठीक है, एक तरीके से ऐसा सोचोगे जिसका कोई एंड ना हो, एक सृजनात्मक रूप से सोचोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आपको एग्जाम्पल मैंने दिया कि आप बताओ कि ऐसी दो संख्याओं का योग जिनका योग, ऐसी दो संख्या जिनका योग 12 हो, तो आप क्या बताओगे। देखो जब आप ये सोचोगे तो ब्रॉड माइंड से सोचोगे, ऐसा नहीं है कि इसका उत्तर जो होगा 6 + 6 = 12 होगा, इसका उत्तर हो सकता है 10 + 2 हो, 11 + 1 हो, 9 + 3 हो, 4 + 4 हो, 3 + 9 हो, या और भी कई सारे इसके प्रश्न उत्तर हो सकते हैं। तो यहां पर आप क्या सोच रहे हो, एक ब्रॉड माइंडेड सोच रहे हो, ब्रॉड माइंडेड सोच रहे हो, तो वो आपका कहलाता है अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन। अपसारी का मतलब होता है फैलाव करना, फैलना, तो फैलने का मतलब यह है कि आप ब्रॉड माइंडेड सोच रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, किसी एक बिंदु पर सोचना, मतलब यह है कि आप किसी भी प्रश्न, आप बच्चों को जब प्रश्न दोगे तो उसका उत्तर एक ही आएगा। अपसारी में आप अगर आप बच्चों को प्रश्न दोगे तो उसके उत्तर कई सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप मुझे ये मान लो कि आप मुझे बताओ कि ऐसी दो संख्याएं जिनका जिनका गुणनफल 100 हो, जिनका गुणनफल 100 हो, तो कई सारी संख्या ऐसी हो सकती है, 50 और 2 भी हो सकते हैं, जिनका गुणनफल 100 हो, 25 × 4 भी हो सकता है, जिनका गुणनफल 2 हो, ठीक है, तो इस तरीके से 10 × 10 भी हो सकता है, इनका गुणनफल क्या हो आपका 100 हो, ठीक है, और ऐसे अगर हम बात करें तो आपका 20 × 5 भी हो सकता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी क्या देगा, हो सकता है अलग अलग आंसर आपको दे, तो वो आपका आ जाता है अपसारी चिंतन में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के गुण, मूल्यांकन के गुण क्या होते हैं। मूल्यांकन के जो गुण होते हैं वो आपके 5 हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदीकरण। अब देखो इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वैधता क्या होती है, देखो वैधता क्या होती है, वैधता का मतलब ये होता है कि आपने जो मूल्यांकन बनाया है वो उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक कर ली है, क्या वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब हो जाएगा वैधता, ठीक है। फिर है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी विद्यार्थी की कॉपी चेक कर रहे हो तो आपने 10 अंक दे दिए, ठीक है, तो कोई भी अगर परीक्षक विद्यार्थी कॉपी चेक करेगा तो उसको 10 अंक ही मिलने चाहिए, तो वो कहलाती है विश्वसनीयता, ठीक है। इसके अलावा देखो वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि जो जो भी आपका जो मूल्यांकन होना चाहिए वो पक्षपात रहित होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जो टीचर का बच्चा है तो उसको आपने ज्यादा अंक दे दिए, तो ठीक है, तो या आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो आपने उसको ज्यादा अंक दे दिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। इसके बाद है व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या है कि
जो आपका मूल्यांकन होना चाहिए वो व्यापक होना चाहिए। मतलब यह है कि बच्चे की हर एक क्षेत्र में वो आप हर एक क्षेत्र में जो उसके गुण हैं अवगुण हैं उसका निर्धारण कर सके, वो कहलाती है व्यापकता। ठीक है, फिर है आपका विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है? विभेदीकरण का मतलब यह है कि बच्चों को छांटने में जो आपको आपकी मदद करे, मतलब यह है कि आपकी कक्षा में जो बच्चे होंगे वो अधिगम उनका अधिगम सबका सेम नहीं होगा, वो बच्चे एक जैसे नहीं होंगे। कुछ बच्चे तो जल्दी से अधिगम कर लेते होंगे, कुछ बच्चे देर से कर पाते होंगे, कुछ समस्यात्मक बच्चे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनमें मूल्यांकन ऐसा हो जो उनका विभेदीकरण कर सके, जिससे कि आपके क्लास में जो समस्यात्मक बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं उस चीज को, तो आप क्या करें, बच्चे उन चीज को आसानी से समझ जाएं। तो वो आपका होगा विभेदीकरण, मतलब आप उनको छांटोगे। बच्चों को छांटने के बाद में आप क्या करोगे, उन बच्चों को अलग से कोई एक प्लान ऐसा बनाओगे जिससे कि वो बच्चे उस चीज को समझ सके। तो वो है आपका विभेदीकरण, बच्चों में विभेद कर सके, बच्चों को बच्चे कौन से बच्चे अधिगम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है उनको छांट सके, तो वो आपका हो जाएगा विभेदीकरण। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मूल्यांकन के प्रकार के बारे में। मूल्यांकन जो होता है वो आपका तीन प्रकार का होता है, निर्माणात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन, या इसको हम संरचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, योगात्मक, संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन, फिर है निदानात्मक मूल्यांकन। इसमें आपका जो पहला है वो है निर्माणात्मक, रचनात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन। इसकी जो प्रकृति होती है वो सुधारात्मक होती है। इसका मतलब समझिए, निर्माणात्मक मूल्यांकन का मतलब ये होता है कि आपकी जो पाठ्य योजना है, आपकी जो शैक्षिक सामग्री है, क्या उससे बच्चों में कोई सुधार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है कि एक्चुअली में इस प्रकार के मूल्यांकन में हम एक तरीके से शिक्षक का मूल्यांकन किया जाता है, बच्चों का मूल्यांकन नहीं। ठीक है, बच्चों के मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है। जैसे अगर शिक्षक किसी भी कक्षा में एक पाठ्य योजना और एक पाठ्य सहायक सामग्री को लेकर के गया और उसने उस कक्षा में उस चीज को पढ़ाया, ठीक है, उस पाठ्य योजना के अनुसार उसने अपने पाठ को पढ़ाया, पढ़ाने के साथ साथ वो बीच में बच्चों से प्रश्न पूछता रहा, अगर बच्चे प्रश्न बताते रहे तो इसका मतलब ये है कि उसकी पाठ्य योजना सफल हुई। अगर बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको अपने पाठ्यक्रम में सुधार करने, अपनी पाठ्य योजना में, अपनी सहायक सामग्री में सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के मूल्यांकन में हम जो है ये देखते हैं कि जो भी हमारी पाठ्य योजना है, जो भी हमारी पाठ्य सहायक सामग्री है, कक्षा सामग्री है, वो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो वो आपका हो जाता है एक तरीके से निर्माणात्मक या आपका रचनात्मक मूल्यांकन। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, जैसे आप बच्चों की जो वीकली टेस्ट लेते हो या डेली टेस्ट लेते हो या मंथली टेस्ट लेते हो, तो उसमें क्या करते हो, बच्चे को ये देखने के लिए चेक करते हो कि बच्चे में कितना सुधार हुआ है। ठीक है, बच्चे में नहीं सुधार हुआ है तो आप क्या करोगे, आप ये कोशिश करोगे जो आप अपनी पाठ्य योजना का निर्माण करो अगली बार, वो आप ऐसा कुछ ऐसा करो कि जिससे कि सभी बच्चे उसमें सीख जाएं। तो ये आपका हो गया निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। इसके अलावा है योगात्मक, संकल्पनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। इसकी जो प्रकृति होती है वो निर्णयात्मक होती है। मतलब ये है कि इसमें हम ये निर्णय लेते हैं कि इस चीज को आगे फ्यूचर में जारी रखें या नहीं रखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे की वार्षिक परीक्षा लेते हो, वार्षिक परीक्षा जब बच्चे की आप लेते हो तो आप उसमें बच्चे का ये डिसाइड करते हो कि आप उसको इसी कक्षा में रखो या उसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो उसी कक्षा में रखना या उससे आगे बढ़ाना, ये आपका क्या कहलाता है, आपका जो है योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, क्योंकि आप इसमें निर्णय लेते हो बच्चे को आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे कि आप यूपी बोर्ड क्या करता है, जब भी पुस्तकें लगवाता है तो वो क्या करता है, 4-5 प्रकाशन की पुस्तकें जो होती हैं उनको देखता है कि कौन सी पुस्तक का जो कंटेंट है वो सबसे अच्छा है, तो उसमें से कोई एक पुस्तक को वो चूज करता है, तो वहां पे निर्णय लेता है कि कौन सी पुस्तक ली जाए। तो ये भी आपको क्या कहलाता है, आपका योगात्मक या संकल्पनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। इसमें निर्माणात्मक में, अगर हम मैं एक एग्जाम्पल और दूं,
तो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप जैसे कोई भी बुक पब्लिश करवा रहे हो अपनी, तो आप क्या करोगे, एक बार पब्लिश कराने से पहले देखोगे कि उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई, ठीक है? तो आप क्या करोगे, उसमें गलती जो भी होंगी उसमें सुधार करोगे, तो वो भी हमारा क्या कहलाता है, निर्माणात्मक या रचनात्मक, या इसको हम कह सकते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन। फिर है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे को अधिगम में कहाँ समस्या आ रही है, ठीक है? बच्चा अधिगम करने में किन किन समस्याओं का सामना कर रहा है, तो समस्याओं का पता लगाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में जो कि ब्लूम ने दिए हैं।